बीबीसी दुनिया में आज देखिए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की सनक से जुड़े दावों का सच। प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया ने नए साल में लगाई मिसाइल टेस्ट की झड़ी। 2 साल की खामोशी के बाद सक्रिय हुआ उत्तर कोरिया। अमेरिका को क्या संदेश देना चाहते हैं किम जोंग उन? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। बार बार मिसाइल परीक्षण से क्या हासिल करना चाहता है उत्तर कोरिया, दिखाएंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,61,000 से ज्यादा नए मामले। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब भी बना है चिंता का सबब। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 1,733 लोगों की मौत। संक्रमण के ज्यादा मामलों के बावजूद फ्रांस और नॉर्वे ने दी कोरोना पाबंदियों में ढील। सख्ती के बावजूद चीन में बीजिंग विंटर ओलंपिक से पहले बढ़ रहे हैं कोविड के मरीज। बीजिंग में विंटर ओलंपिक मशाल रिले की हुई शुरुआत। गलवान में घायल हुए कमांडर को चीन ने बनाया ओलंपिक टॉर्च बियरर। 4 फरवरी से शुरू होंगे गेम्स। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। उत्तर कोरिया दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जो किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। एक तरफ जहां उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट दुनिया की फिक्र बढ़ाते हैं, वहीं यहां के नेता किम जोंग उन हमेशा खबरों में बने रहते हैं। क्या है इसकी वजह और हकीकत, कवर स्टोरी में आज इसी की बात। दुनिया हैरान रह गई जब उत्तर कोरिया ने पिछले महीने 7 मिसाइल परीक्षण किए। अमेरिका समेत दक्षिण कोरिया और जापान ने इसकी निंदा की। बीते हफ्ते हुए 7वें मिसाइल टेस्ट को 2017 के बाद से सबसे बड़ा मिसाइल परीक्षण कहा जा रहा है। उत्तर कोरिया घरेलू समस्याओं से भी जूझ रहा है, खाने पीने की कमी भी है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका पर दबाव बनाने की एक रणनीति हो सकती है। नए मिसाइल परीक्षणों के जरिए उत्तर कोरिया अपनी ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। बीबीसी संवाददाता रूपर्ट विंगफील्ड की यह रिपोर्ट। उत्तर कोरिया अपने रक्षा तंत्र को बिच्छू की पूंछ की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है। बीते कुछ सालों से और खासकर महामारी की शुरुआत के बाद से उत्तर कोरिया काफी शांत रहा है। उसने पूरी दुनिया से अपने आप को काटे रखा है और यहाँ जापान में हमने आसमान में मिसाइलों को आते जाते नहीं देखा। टोक्यो को आग के समुद्र में बदलने की धमकी नहीं देखी, लेकिन बीते कुछ सप्ताह से सब कुछ बदल गया है। कई मिसाइल टेस्ट करने और उत्तर कोरिया के पास नए हाइपरसोनिक हथियार होने का दावा किया गया है। अभी और धमकियां आना बाकी हैं। आखिर प्योंगयांग में क्या चल रहा है? इसका छोटा सा जवाब है कि उत्तर कोरिया महामारी के दौरान सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठा रहा, वो व्यस्त रहा। हमें हैरत है क्योंकि हमने उत्तर कोरिया की तकनीक को कम करके आंका और हमें लगा कि उत्तर कोरिया महामारी की वजह से पीड़ित है। वो अपने मिसाइल सिस्टम को बिच्छू की पूंछ की तरह करना चाहते हैं। खासतौर से किम जोंग उन ऐसी मिसाइलें और हथियार विकसित करते नजर आते हैं जो कि पुरानी मिसाइल रक्षा से अलग हो, जिस तरह की जापान में रही है। ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि उनका लक्ष्य ऐसे हथियार बनाने का है जो जटिल और आक्रमणकारी मिसाइल रक्षा हो, जिसका अधिक युद्ध अभ्यास हो और अमेरिका जिसका अकेले पता ना लगा सके। लेकिन एक सेकंड रुकिए, किम जोंग उन के पास हमले से खुद की रक्षा करने के लिए कई हथियार हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान की तुलना में उनके पास अधिक विस्तृत मिसाइल हथियार हैं। तो उन्हें और क्यों चाहिए? आश्चर्यजनक रूप से दक्षिण कोरिया में कुछ लोग उत्तर की इन सभी गतिविधियों को एक अच्छी चीज के रूप में देखते हैं, एक संकेत के रूप में कि किम जोंग उन बात करना चाहते हैं। ये सब जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि एक ही चीज हम बार बार होता देख चुके हैं। उत्तर कोरिया बातचीत करने की जगह एक नया संकट पैदा कर रहा है। वास्तव में प्योंगयांग शायद अभी वही कर रहा है। ऐसा कहा गया कि वो लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण कर सकता है और फिर परमाणु परीक्षण करेगा, इसलिए इंतजार कीजिए। हालांकि मुझे संदेह है कि जब तक चीन में विंटर ओलंपिक खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ बड़ा होगा। रूपर्ट विंगफील्ड हैज बीबीसी न्यूज़ इन टोक्यो।
इसी साल जनवरी में अमेरिका ने उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक हथियार कार्यक्रम से जुड़े कई लोगों पर प्रतिबंध लगाया। उत्तर कोरिया ने बीते साल की तरह इस साल जनवरी में भी हाइपरसोनिक और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने अंतरिक्ष से ली गई कुछ तस्वीरें जारी की और कहा कि 5 साल में उसके सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण की ये तस्वीर है। हथियारों और सैन्य ताकत की खबरों के अलावा पश्चिमी देशों के मीडिया में उत्तर कोरिया और उसके नेता किम जोंग उन छाए रहते हैं। कभी तानाशाही, कभी विरोधियों के खिलाफ क्रूर फैसले लेने, कभी परिवार के महिमामंडन से जुड़ी कहानियों की वजह से। तो हमें उत्तर कोरिया के बारे में वास्तव में क्या जानने की जरूरत है? बीबीसी मॉनिटरिंग के से यिन ली ने इसके बारे में जानने के लिए 2 विशेषज्ञों से बात की। उत्तर कोरिया को लेकर अजीबोगरीब कहानियां सामने आती रहती हैं, जिनमें से अधिकतर झूठी होती हैं। जैसे कि उत्तर कोरिया में एक सींग वाले घोड़े की मांद या गुफा मिली। मुझे दिक्कत इस बात से है कि उत्तर कोरियाई शासन से जुड़े मुद्दों का अजीब सा सरलीकरण कर दिया जाता है और इन कहानियों का मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होता है। उत्तर कोरिया और इसके नेताओं की कहानियां पश्चिमी मीडिया में काफी चर्चित हैं। हाल ही में किम जोंग उन के वजन कम करने की खबर ने काफी अटकलों को हवा दी। उत्तर कोरिया की मीडिया की मॉनिटरिंग करते समय मैं हर रोज किम जोंग उन की तस्वीर देखती हूँ और हर रोज सोचती हूँ कि वह उन्होंने अपना वजन बहुत घटाया है, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि इसके कई मतलब निकलने का खतरा रहता है। क्योंकि जब हम पूर्वी एशिया की सुरक्षा की बात करते हैं तो उनके स्वास्थ्य की स्थिति एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर पत्रकार आसान निष्कर्ष निकालने के लालच से खुद को रोके तो एक अलग छवि सामने आएगी। यहाँ पर राजनीतिक प्रतीकवाद के बारे में सोचे तो हम पाएंगे कि किम अपने पिता की तरह नहीं बल्कि अपने दादा की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दादा उत्तर कोरिया में अब भी हीरो माने जाते हैं। किम परिवार को उत्तर कोरिया में राष्ट्रीय नायकों की तरह देखा जाता है। सबसे सनसनीखेज कहानियों में एक ये भी है कि किम जोंग उन ने कैसे अपने चाचा को मारने का आदेश दिया और उन्हें भूखे कुत्तों को खिला दिया, जबकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक अज्ञात सूत्र ने यह भी कहानी पेश की थी कि किम ने कथित तौर पर अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को मारने का आदेश दिया था। कुछ समय के बाद वो सरकारी मीडिया में वापस आई थी और वो अब शीर्ष अधिकारियों में शामिल है। लेकिन पश्चिमी मीडिया बिना किसी ठोस जांच के आखिर खबर क्यों प्रकाशित कर देता है? मैं माफी चाहूंगी जो मैं कहूंगी, ये क्लिक्स के लिए बढ़िया रास्ता है। उत्तर कोरिया की कहानियों के चर्चित होने की एक वजह उस देश का एक तरह के समय काल में फंसे होने का एहसास है। कोई भी ऐसा शासन नहीं है जो इस तरह से अलग थलग हो और जिसने वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण को चुनौती दी हो। हमें विस्तार से इसे देखना होगा। पश्चिमी मीडिया में इन कहानियों को गलत तरीके से पेश किए जाने की एक वजह है उत्तर कोरिया तक पहुंच की कमी और अच्छे स्रोत ना मिल पाना। सरकारी मीडिया से बेहद मामूली संकेत मिलते रहे हैं जिनमें तस्वीरें, वीडियो या टेक्स्ट शामिल होता है। उत्तर कोरिया पर नजर रखने वालों को ये मामूली जानकारी मिलती रहती है। कई कहानियों का कुछ कुछ आधार होता भी है। उत्तर कोरिया की जब बात आती है तो कई क्रूर कहानियां निकल कर आती हैं। उत्तर कोरिया के इतिहास के कई कारण हैं जहां अधिकारियों के साथ क्रूर व्यवहार होता रहा है। हम वास्तव में किन असली कहानियों को छोड़ दे रहे हैं? खाने की कमी के मामले पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। चीन अब ऑस्ट्रेलिया को कोयला नहीं दे रहा है तो उत्तर कोरिया उसके कोयला सप्लायर के रूप में उभरा है। यह पूर्वी एशिया में भू राजनीतिक स्थिति को दिखा सकता है। पर उत्तर कोरिया के लिए परमाणु हथियार क्यों इतने अहम हैं? बता रहे परमाणु नीति के विशेषज्ञ अंकित पांडा। किम जोंग उन ने जनवरी 2021 में सेना के आधुनिकीकरण के बड़े उद्देश्य का खाका पेश किया था। उत्तर कोरिया इन हथियारों का परीक्षण इसलिए करता है ताकि वो देख सके कि ये वैसे काम कर रहे हैं या नहीं जैसा वो चाहते हैं। इसके बाद उनकी सेना को ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए इसकी अनुमति दी जाती है। साथ ही तेजी की एक और वजह यह भी हो सकती है कि खराब होती उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था पर से ध्यान हटाने के लिए इन मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम पर एक सकारात्मक रोशनी डाल सकता है। और एक ब्रेक के बाद क्या कांग्रेस को उत्तराखंड में जीत दिला पाएंगे हरीश रावत? इस बारे में जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों से पहले नेताओं के दावे और वादे अपने चरम पर पहुंच रहे हैं। आज बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में लौटने की चुनावी लड़ाई लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, पर वो इस लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं और उनके निशाने पर है राज्य की बीजेपी सरकार। हरीश रावत से बात की बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव ने। उत्तराखंड का चुनावी इतिहास देखें तो एक बार कांग्रेस सरकार रहती है, फिर एक बार बीजेपी सरकार आ जाती है। तो इस बार क्या आप लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं कि शायद आपकी बारी है? हम प्रयास कर रहे हैं कि जीत हमारी तरफ आए और विषम से विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस जीते, मगर स्वभाव तो स्वभाव ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल के भाजपा के निकम्बेपन ने उत्तराखंड वासियों कि मन में ये तय करवा दिया है कि हमको परिवर्तन लाना है और कांग्रेस की सरकार ही बेहतर सरकार थी। जब वो हमारी सरकार के 3 साल के कार्यकाल से तुलना करते हैं तो उनको लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, तो अब उसको पाने की आशा में, फिर से रिगेन करने की आशा में लोग इस समय कांग्रेस की तरफ उमड़ रहे हैं। भाजपा के पास है ही नहीं कुछ, उन्हें किया ही नहीं कुछ, जो है विकास ठप कर दिया। डबल इंजन कहते रहे, डबल इंजन लोगों ने स्टार्ट, उसका कुछ करिश्मा देखा ही नहीं, और 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का करिश्मा जरूर देखा। 2017 में आपका प्रदर्शन इतना ख़राब कैसे हुआ? आप स्वयं 2 सीटों से लड़े, आप दोनों सीटों से हार गए। उसके बाद आपने 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा, उसमें भी आप एक बहुत बड़े मार्जिन से हारे। क्या जनता ने आपकी पॉलिसीज़ को रिजेक्ट नहीं किया? बिल्कुल, आपके सवाल जो है बिल्कुल सटीक और माकूल है। 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश से एक आधी आई प्रचंड, जिसमें हिंदू मुसलमान कर दिया गया, कब्रिस्तान और शमशान का मामला उठा करके इस तरीके से कर दिया। उसमें लोग इस सब चीज़ों को भूल गए जो काम थे, हिंदू और मुसलमान के आधार पर बढ़ गए, और वो सिलसिला 2019 तक भी जारी रहा, लोकसभा के चुनाव तक भी जारी रहा। उन विषम परिस्थितियों में भी लोगों ने, जो हमको 2012 में जितना वोट प्रतिशत सत्ता में लाया था, हमको 2017 में भी उतना ही वोट प्रतिशत मिला। इन चुनावों में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके 3 या 4 सबसे बड़े मुद्दे जिन पे आप ये चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप जीतेंगे, तो वो क्या बातें हैं? उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की रक्षा। बेरोजगारी चरम पर है, हम बेरोजगारी को नियंत्रित करेंगे, घटाएंगे और स्पष्ट तौर पर रोजगार पैदा करने वाले राज्य बनेंगे ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। तीसरा मुद्दा महंगाई का है, और महंगाई को हम वो नहीं कर सकते, केंद्र की पॉलिसीज़ पर निर्भर करती है, मगर हम बोझ कम करेंगे, महंगाई के दंश को कम करेंगे। इसके लिए हमने लोगों से कहा है, बनाओ कांग्रेस सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार, हम सब्सिडी देंगे। क्या ये चुनाव हरीश रावत बनाम नरेंद्र मोदी है इस राज्य में? ये हरीश रावत बनाम महंगाई है, ये चुनाव हरीश रावत बनाम बेरोजगारी है, ये चुनाव हरीश रावत बनाम उत्तराखंड में जो कुशासन है वो है, ये चुनाव हरीश रावत बनाम जो विकास शून्यता है वो है, ये तो उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा है। आप हे मतदाता, यदि हमसे प्रसन्न हैं, हमारी सरकार बनाना चाहते हैं, तो हमको इतना बहुमत दे दीजिए, इतनी संख्या दे दीजिए कि हम एक स्थिर सरकार बना सकें, वादों को पूरा करने वाली सरकार बना सकें, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की रक्षा कर सकें और उत्तराखंड के विकास को हम बहुत ऊंचाई पर ले जाने का काम कर सकें। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको सिंगापुर में क्यों बढ़े खाने पीने की चीजों के दाम, इस बारे में जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना महामारी के बाद से श्रीलंका से लेकर सिंगापुर तक दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं। संयुक्त राष्ट्र का भी कहना है कि ये दाम एक दशक में सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। हालांकि एशिया में खाने के दाम उतने नहीं बढ़े हैं जितने बाकी देशों में बढ़े हैं। बीबीसी के एशिया बिजनेस संवाददाता मारिक ओई की रिपोर्ट। चिकन और चावल की एक प्लेट, सिंगापुर के लगभग हर फूड सेंटर में ये मुख्य व्यंजन आपको मिलेगा और आमतौर पर ये सबसे किफायती खाना है। लेकिन इस फूड चेन के दामों में पहली बार बढ़ोतरी करनी पड़ी है। जब पहली बार महामारी की मार पड़ी तो हमें लगा कि ये स्थिति थोड़ी देर तक ही रहेगी। चिकन, सब्जियां, चावल सबके दाम बढ़ गए। हम ये खर्च अपने स्तर पर ही उठा रहे थे। हमें उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम बिजली के दामों के लिए तैयार नहीं थे। 250% की बढ़ोतरी का झटका लगा है। सिंगापुर अधिकतर खाद्य वस्तुओं का आयात करता है और वैश्विक रूप से बड़े दामों का असर उस पर ज्यादा पड़ता है। महामारी की शुरुआत से यहाँ पर चिकन के दामों में 50% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अमेरिका और यूरोप से तुलना करें तो एशिया में खाद्य वस्तुओं के दामों में कम बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कई बार व्यापारी और सरकारें ये खर्च अपने ऊपर ले रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा? सरकार दाम नियंत्रित करने की जगह सप्लाई को लगातार स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। फिलीपींस के उदाहरण को अगर लें तो वहां चावल के आयात की उदार नीतियों के कारण चावल की सप्लाई बेहतर हुई है। डिस्ट्रीब्यूटर निकल नाग कहती हैं कि बीते 20 सालों में उन्होंने इतनी तेजी से बढ़ोतरी कभी नहीं देखी। कई परिवार शायद पार्ट टाइम नौकरियां करके काम चला रहे थे, लेकिन जब कोरोना की मार पड़ी तो सभी पार्ट टाइम काम कम हो गए थे। हम सोचते हैं कि सबसे निचले पायदान के 10% लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन जनसंख्या के तकरीबन 20% ऐसे लोगों को मदद की जरूरत है जो मध्यम वर्ग से हैं। एशिया में जिन परिवारों को मदद की जरूरत है उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। अधिकतर लोग खाने समेत रोजाना के खर्चे बढ़ते देख रहे हैं। अधिकतर ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये अस्थाई है या महामारी की तरह ये स्थिति बनी रहेगी। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही।